ओके, सुकुना का 20th फिंगर कहाँ पे है? अब सुकुना का मानना तो ये है कि गोजो ने उसे छुपा के रखा है, लेकिन जब गोजो सेंसे मर चुके हैं तो ऑटोमेटिकली उनके फिंगर दिख जाना चाहिए या सुकुना को पता चल जाना चाहिए, क्योंकि सीजन 1 के अंदर ही हमें बता दिया गया था कि जो यूजी का बॉडी है सुकुना उसके अंदर है, और इस कारण से जो सुकुना का और भी फिंगर्स है उसके लिए यूजी का बॉडी एक रडार की तरह काम करेगा और उसके पावर की मदद से इजीली सुकुना का फिंगर वो लोग ढूंढ सकते हैं। और इस कारण से यदि गोजो सेंसे यहाँ पे मर चुके हैं तो ऑफकोर्स ही बात है सुकुना इतना पावरफुल अभी हो चुका है कि उसको पता चल जाना चाहिए था कि भाई कहाँ पे फिंगर छुपा हुआ है, लेकिन अभी तक हमें फिंगर को नहीं दिखाया गया है। लेकिन यदि मैं आपको बोलूं जुजुत्सु काइजन सीजन 2 एपिसोड 23 के अंदर शायद से हमें सुकुना का 20th फिंगर को दिखाया गया है तो सुन के अजीब लगेगा, लेकिन क्या आपको पता है गोजो सेंसेई मरने से पहले ही जुजुत्सु काइजन यूनिवर्स का सेकंड सबसे पावरफुल कैरेक्टर से मिलता है और उसको बोलता है उसके मरने के बाद या उसे कुछ हो जाता है तो वो ख्याल रखेगा यूजी इतादोरी का, और वो कैरेक्टर कौन है उसको भी आपने देखा ही होगा जुजुत्सु काइजन सीजन 2 एपिसोड 23 के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ युटा के बारे में। जब गोजो सेंसेई बहुत दिन के बाद जाते हैं युटा से मिलने के लिए तो वहां पर युटा को बोलते हैं कि कैसे उसके मरने के बाद ये उसे कुछ हो जाए तो यूजी का ख्याल रखेगा, तो हो सकता है वहीं पे गोजो सेंसेई ने अपना आखिरी वाला फिंगर भी युटा को दे दिया होगा, क्योंकि यदि एक पैटर्न आप ढूंढोगे तो सबके सब अभी तक लड़ने के लिए आए हैं सुकुना से, लेकिन युटा अभी तक नहीं आया है। ऊपर से युटा का जो रीका है, ये वाली रीका वो वाली रीका नहीं है जिसको हमने जुजुत्सु काइजन 0 मूवी के अंदर देखा है। ये वाली रीका एक अलग टाइप का रीका है, मतलब ये रीका को युटा यूज करता है एज अ बाल्टी। आप ऐसा समझ लो जैसे कि हम एक बकेट को यूज करते हैं और उसके अंदर ढेर सारा पानी डालते हैं और उसके बाद उससे मग लेके हम नहाते हैं, ठीक है? तो वैसे ही आप समझ लो कि ये वाली जो रीका है ना युटा के लिए ऐसे ही काम करता है। इसके अंदर युटा अपना जितना भी कर्स एनर्जी होता है जो इकट्ठा करता है वो इसके अंदर भर के रखता है, और जब भी जरूरत पड़ता है तो उससे निकाल के वो यूज करता है। लेकिन अब आप सोचोगे इससे कैसे साबित हो जाता है कि युटा के पास आखिरी फिंगर है? तो आप समझो जो ये रीका है इसके पास अब अपना ब्रेन नहीं है, ठीक है? अब ये डेड हो चुकी है, जिसे हमने जुजुत्सु काइजन 0 मूवी के अंदर ही देख लिया था कि इसके अंदर से अब रीका आजाद हो चुकी है। तो अब जो ये बाल्टी बचा हुआ है या ये जो कह सकते हो रीका बचा हुआ है इसके अंदर दिमाग नहीं है, लेकिन हमने जब जुजुत्सु काइजन सीजन 2 एपिसोड 23 के अंदर इसको देखा था इसके पास दिमाग भी था, ये चल रही थी, और जब युटा वर्सेस यूजी फाइट होता है तो वहां पे भी ये यूजी को पकड़ लेती है और ये अपने विल पे अपना काम भी कर पाती है। और यदि आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे चलाओ तो यहाँ पे ऐसा ही होते हुए क्या आपने पहले भी देखा है किसी कर्स स्पिरिट के साथ? अब मैं बात कर रहा हूँ जुजुत्सु काइजन सीजन 1 का, जहाँ पे एक कर्स स्पिरिट को दिखाया जाता है जिसके अंदर सुकुना का एक फिंगर होता है। तो मेरा मानना ये है ये वाली जो रीका है वो अभी भी इतना ज्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ही सुकुना का 20th फिंगर है। फिर से बता देता हूँ ये मेरा थ्योरी है और मेरा मानना यही है कि जब गोजो सेंसेई मिलने के लिए गए थे युटा से और जब वो यूजी के बारे में बात कर रहे थे तो उनको कहीं ना कहीं अंदाजा लग गया था कि उनको कुछ होने वाला है, और उसके कारण से हो सकता है उसने युटा को फिंगर भी दे दिया होगा और उसको बोला होगा इसे संभाल के रखने के लिए, और युटा ने उसको रीका के बॉडी के अंदर डाल दिया होगा। जैसे कि वो जो भी कर्स एनर्जी होता है वो रीका के बॉडी के अंदर डालता है और जब भी जरूरत पड़ता है तो उसको यूज करता है उससे ले लेके, तो वैसे ही हो सकता है जब उसको फिंगर मिला होगा तो वो डाल दिया होगा रीका के बॉडी के अंदर, और इसलिए ये वाली जो रीका है ना वो इतना ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ अभी तक सुकुना को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई उसका फिंगर कहाँ पे है। क्योंकि आप सोच के देखो ना, युटा के अलावा कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा सोर्सर नहीं है जिसको गोजो ऐसा बोला हो कि मेरे से भी ज्यादा कर्स एनर्जी इसके पास है। वो युटा को देखते ही बोला था कि इसके पास मेरे से ज्यादा कर्स एनर्जी है। तो मतलब गोजो के अलावा एक ही बंदा है पूरे जुजुत्सु काइजन यूनिवर्स के अंदर जो कि सुकुना के फिंगर को संभाल के रख सकता है, वो है युटा। और मेरा मानना ये है कि अभी तक युटा इसलिए नहीं आया है सुकुना के सामने क्योंकि उसको यहाँ पे बचा के रखना है उस फिंगर को, और वो वेट कर रहा है तब तक का जब तक सुकुना पूरी तरह से कमजोर ना हो जाए, उसके बाद युटा आएगा और मदद करके सुकुना को खत्म करेगा यूजी के साथ मिलके। ये मेरा थ्योरी है, आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना, क्योंकि मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है मांगा के अंदर कि ये वाली जो रीका है ना कुछ ज्यादा ही ओवर पावर रीका है, क्योंकि इसके अंदर यदि युटा अपना कर्स एनर्जी ही रखता तो भाई ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होती जितना कि इसको दिखाया जा रहा है। तो हो सकता है सुकुना के फिंगर के कारण ये इतना पावरफुल होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या युटा संभाल के रख रहा है गोजो सेंसेई का आखिरी फिंगर, मतलब सुकुना का आखिरी फिंगर? यदि आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।